भाई अक्षय के तो प्रॉब्लम्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय फिर से एक नई बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं 2022 में, जिस फिल्म का नाम है राम सेतु। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्षय बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर की जगह फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। दोस्तों अभी अक्षय का दिन ख़राब जा रहा है, तो उसी में अक्षय की फिल्म आ रही है राम सेतु। आपको बताते चले दोस्तों, पहले उससे आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि अगस्त में आई फिल्म रक्षाबंधन कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, तो वही दिवाली 2022 में राम सेतु फिल्म को दिखाया जा रहा है, जिसमें उन्हें सेंसर बोर्ड की तरफ से इजाज़त मिली है। हालांकि इससे पहले लोग पाबंदी लगा रहे थे इस फिल्म को रिलीज़ करने पर, जिससे अक्षय काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनका कहना था कि उनके राम को लेकर कुछ गलत गलत भी दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिसमें सेंसर लोगों ने उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें अक्षय के फैंस काफ़ी हद तक खुश होंगे कि अक्षय की आने वाली फिल्म राम सेतु वो देख पाएंगे। राम सेतु का ट्रेलर भी 3 मिनट 10 सेकंड्स का है दोस्तों, आपको बताते चले, जिसमें वो काफ़ी अलग लुक में नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल ये ट्रेलर अभी लॉन्च नहीं हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों कि राम सेतु में अक्षय कुमार मेन लीड पर हैं, साथ ही में उनके दो एक्ट्रेस भी हैं, जिसमें एक जैकलिन फर्नांडिस और दूसरी नुसरत बरूचा है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट में कौन सी एक्ट्रेस अक्षय के साथ रोमांस करती हुई दिखेंगी। वैसे तो सेंसर बोर्ड ने इस अक्षय की फिल्म को हरी झंडी दे दी है। अब देखना ये है दोस्तों कि ट्रेलर आती है तो क्या कमाल कर पाती है, और बाकी की पिक्चर्स तो हमें ट्रेलर से ही पता चलेगा कि कैसा होने वाला। वेल दोस्तों, आपका इस मूवी को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर ले दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।